एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार सदुद्दीन ओवेसी जाहीर सभेत बोलतायत. भिवंडीमध्ये ही सभा आहे, थेट प्रक्षेपण. अगर आपको अपने पार्टी के लोगों की फिक्र है कि कहीं मोदी की हुकूमत उनको जेल में डाल दे, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे अपनी हुकूमत में खालिद गुड्डू को जेल में डाला. याद रखिए, अगर खालिद गुड्डू जेल को जा रहा है हुकूमत के जबर और जुल्म का शिकार होकर, तो कहीं दिल्ली की हुकूमत भी अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करे और आपके ही करीबी लोगों को जेल में डाल दें. अगर आज आप फिक्रमंद हैं, तकलीफ में हैं, तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहा हूं, खालिद गुड्डू के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, उनके घर में उनके भाइयों पर, उनके अफराद खानदान पर, उनके दोस्तों पर क्या गुजर रही होगी. इसीलिए हम महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप खालिद गुड्डू को रिहा करवाइए, मुकाबला करिए सियासत में, मैदान में मुकाबला करिए. लोकतंत्र है, लोकशाही है, संविधान के दायरे में रहकर मुकाबला करिए. किसी को जेल में डालकर ये बहादुरी का काम नहीं है. बहादुर वो है जो अपने मुखालिफीन को भी छोड़े और कहे कि आओ प्यारे, आजमाओ किस्मत, देखते हैं मैदान में आवाम किसको पसंद करती है. अगर आज हुकूमत, महाराष्ट्र की सरकार लोकशाही पर भरोसा करती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो खालिद गुड्डू को रिहा करवाएगी. और शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये कहेगी कि खालिद गुड्डू तुम बाहर निकलकर हमसे मुकाबला करो. हम भी यही चाहती हैं कि कोई भी जेल में ना जाए. सियासतदान हैं, राजनेता हैं, अगर वो जेल को चले जाएंगे तो याद रखो उनकी मकबूलियत में और इजाफा होता रहेगा. खालिद गुड्डू की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई, ना इंशाअल्लाह कमी आएगी. खालिद गुड्डू एक दिन रिहा होगा, और जब खालिद गुड्डू रिहा होगा तो पहले से ज्यादा ताकतवर एक सियासी नेता बनकर रिहा होगा. और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मजलूमों का साथ देती है. जुल्म करने वालों याद रखो, इख्तदार किसी के पास रहने वाला नहीं है. आज तुम इख्तदार के नशे में चूर होकर मजलूमों को जेल में डाल रहे हो, मगर इंसानियत की तारीख गवाह है कि जिस हुक्मरान ने अपनी ताकत के बलबे पर, अगर वो ये समझ रहा है कि किसी को मैं जेल में डाल सकता हूं. कुदरत का काम यही होता है कि जो हुक्मरान जुल्म करता है